व्यवहारिक जीवन जीने के लिए, समाज में जीवन जीने के लिए धर्म की आवश्यकता है। आज आदमी धर्म को नहीं समझ रहा है, धर्म के विषय में आज आदमी के पास जानकारी नहीं है कि धर्म है क्या। धार्मिक सब हैं, अपने आप को धार्मिक सब कहलाता है कि हम धार्मिक हैं। कोई आदमी माला पहन रहा है, कोई कंठी पहन रहा है, कोई चंदन लगा रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है पूजा करने के लिए, कोई गिरजाघर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए। हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को धार्मिक साबित करने के लिए, जो धार्मिक स्थल है वहां जाकर के अपने आप को धार्मिक साबित करने का कोशिश कर रहा है। विचार करके देखें तो, चिंतन करें तो, मंदिर में जाने मात्र से कोई भी व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, तीर्थ में जाने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, शिवालय में जाने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म है क्या, धर्म को जीवन में कैसे धारण किया जाए, इस विषय में आपको विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जब तक धर्म आपके जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक आपके जीवन में अर्थ भी आपका सही नहीं हो सकता है, काम भी सही नहीं हो सकता है, और आपके जीवन में मोक्ष भी घटित नहीं हो सकता है। धर्म के विषय में गीताकार ने कहा कि स्वभावो अध्यात्म उच्यते, का अध्यात्म क्या है, का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव क्या है, मनुष्य का प्रकृति क्या है। जिस दिन आदमी अपने स्वभाव में आ जाएगा, उस दिन आदमी धार्मिक हो जाएगा। आज हम अपने स्वभाव में नहीं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, तमाम तरह के कुकर्म करते हैं और कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, पीते कि नहीं, और यहाँ तक कि धर्म के नाम पर ये सारे कुकर्म हो रहा है। लोग से पूछिए कि शराब पीते हो, तो कहता है कि और दिन तो नहीं पीते हैं, लेकिन जब एक बतावा पर्व आता है होली, तो उस दिन पी लेते हैं, एकाक पेक धराने में कोई दिक्कत नहीं है। आदमी से पूछिए कि मांस खाते हो, का नहीं खाते हैं, कभी नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मांस खा लेते हैं, का क्या, कहा कि जब दुर्गा पूजा का समय आता है, उस समय जो बकरे काटे जाते हैं, भैंसे काटे जाते हैं, उसका मांस खाने में कोई बुराई नहीं है। आवाज सही करिए, फ्रेश नहीं लग रहा। उस दिन मांस खाने में, बकरे काटने, उस बकरे का मांस खाने में कोई बुराई नहीं। का जुआ खेलते हो, का जुआ खेलते तो नहीं, लेकिन जिस दिन दीपावली के दिन एक आध दो हाथ खेल लेने में कोई बुराई नहीं। तो ये धर्म के नाम पर जुआ खेला जाता है, धर्म के नाम पर मांस खाया जाता है, धर्म के नाम पर शराब पिया जाता है। जो आदमी बहगी लात करके यहां से जाता है बाबा बैजनाथ धाम जल भरने के लिए, जल भर के जाता है, आता है, वो गांजा पीता है, क्या हम धार्मिक हैं, धर्म की यही मर्यादा है क्या। धर्म का अर्थ है मर्यादा, जो आपके जीवन को बांध दे, मर्यादित कर दे। जिस व्यक्ति का जीवन मर्यादित है वो व्यक्ति धार्मिक है। जिस व्यक्ति का जीवन लंपट युक्त है, लंपटता है जिस व्यक्ति के जीवन में, वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता है। रामनामा चादर ओढ़ने वाला व्यक्ति धार्मिक होगा, इसमें संदेह है। मंदिर जाने वाला व्यक्ति धार्मिक ही होगा, इसमें संदेह है। और सबसे बड़ी बात है कि सत्संग में बैठने वाला व्यक्ति भी धार्मिक होगा, इसमें भी संदेह है, क्योंकि सत्संग पंडाल में आकर के भी तंबाकू लटा करके खाता है आदमी, यहां आकर के पीछे पंडाल के पीछे जाकर के बीड़ी पीता है। बीड़ी पीने वाला, तंबाकू रगड़ने वाला व्यक्ति धार्मिक कैसे हो सकता है। धर्म का अर्थ है मर्यादा। जिस व्यक्ति के जीवन में मर्यादा है, जिस व्यक्ति के जीवन में आहार विहार की मर्यादा है, वो व्यक्ति धार्मिक है। सबसे पहले हम अपने जीवन को मर्यादित मर्यादा में बांधें। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस जगह हम जीते हैं, अगर मर्यादा से जीते हैं तो हम धार्मिक हैं।
आज मनुष्य मर्यादा विहीन काम कर रहा है, हर जगह हम मर्यादा लांग रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में धर्म उतरता नहीं है, लेकिन आडंबर में पाखंड में आदमी के जीवन में धर्म है, पाखंड में आदमी धार्मिक अपने आप को दिखाता है। तो धर्म का स्वरूप आदमी के जीवन में क्या हो सकता है, मनुष्य के जीवन में धर्म कैसे उतरे, इसके लिए महर्षि व्यास का एक सूत्र। महर्षि व्यास से किसी ने प्रश्न किया कि कह धर्म, धर्म क्या है, उस धर्म को जीवन में कैसे उतारा जाए, तो महर्षि व्यास से कहते हैं कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत, सूर्यताम सूर्यताम धर्म सर्वस्वम सुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत। कहा कि धर्म का सर्वस्व कह रहा हूं उसको सुनो। कहा क्या? कहा कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत, जो आपको व्यवहार अच्छा नहीं लगता है वो कभी भी किसी दूसरे के साथ मत करिए। यही धर्म है। आपको ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे हमको कोई अपमानित करे तो कभी किसी को अपमान मत देना। आपको ये लगता है कि हमको कोई पीड़ा न दे तो आप किसी को पीड़ा नहीं दे। आप ये चाहते हैं कि हमको सेवा मिले तो आप भी सेवा करना प्रारंभ करिए। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देना प्रारंभ करिए। दुर्भाग्य ये है कि हम सेवा तो चाहते हैं लेकिन सेवा करना नहीं चाहते, सम्मान तो चाहते हैं लेकिन सम्मान देना नहीं चाहते। हम किसी का अपमान करते हैं तो हमारा भी अपमान हो जाता है, अगर हम किसी का सम्मान किसी को सम्मान देते हैं तो हमें भी सम्मान मिल जाता है। ये धर्म है, सेवा धर्म है। लेकिन आज कल सबसे बड़ी कमी है, अभी आप भजन सुन रहे थे ना राजू परदेसी जी से, कि इस दुनिया में माँ बाप का कितना ऊपर स्थान है लेकिन माँ बाप की सेवा करना कौन चाहता है, कोई चाहता है? माँ बाप सेवा दवा हवा के लिए तरसते रहते हैं और हम जाकर के मंदिर में घंटा डोलाते रहते हैं। हम जाते हैं यहां से बोलबम का नारा लगा करके बोलबम जाते हैं लेकिन घर में माँ बाप दवा हवा के लिए तरस रहे हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है। इससे बड़ा कृतज्ञता और क्या हो सकती है? आज आप सेवा नहीं करेंगे, आज आप पुतहू हैं, अगर आज आप सास की सेवा नहीं करते हैं तो आगे आने वाले समय में आपकी भी सेवा नहीं होगी, निश्चित यकीन मान लीजिए। आज अगर आप बेटा हैं, आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि एक समय आपकी भी ऐसी आएगी कि आप भी दवा हवा के लिए तरसेंगे, क्योंकि वक्त है, करवट बदलता ही है, आज आपके पक्ष में है कल किसी और के पक्ष में जाएगा। वक्त है, सबका बदलता है। कहा गया कि सेवा धर्म परम गहन है योगी नाम अपि अगम्य, कहा कि सेवा का धर्म बड़ा गहन होता है, योगी से भी अगम्य होता है। जो सेवक होता है, सेवा से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। अगर किसी को वश में करना चाहते हैं, सास है पुतहू है, अपनी सास माँ को वश में करना चाहते हैं तो आज ही से सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। चाबी तो सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं? पुतहू है तो वो पाली माँ को फोन करती है, फोन लगाती है यहाँ से कि माता जी अभी तक तो बुढ़िया जिंदा है, घर का कुछ सामान हमारे हाथ में नहीं है, मालिक हम कहाँ है, मालिक तो अभी बुढ़िया है, कभी बुढ़िया मरेगी तो हम मालिक होंगे, मालिक बनना चाहते हैं ना, लेकिन सेवा करना नहीं चाहते, घृणा करते हैं सास से, पुतहू सास से घृणा करती है। और सास भी कम नहीं है, ये मत समझिए कि आप कम हैं, आप भी घृणा करते हैं पुतहू से। आप किससे प्रेम करते हैं? बेटी से। तो जिस दिन आप बेटी पुतहू और बेटी में अंतर नहीं समझेंगे उस दिन आपकी सेवा भी होगी। जिस दिन पुतहू सास माँ और माँ में भेद नहीं समझेगी उस दिन उसके जीवन सास भी उसके लिए बेटी के समान मानेगी सास भी। लेकिन ये होगा कैसे? कहने से,
रात दिन आप लोग कहानी सुनते हैं कि एक दिन तुम्हारे जीवन में भी वही घटित होगा, लेकिन हम लोग माँ बाप का कितना ऋण है हमारे ऊपर। तीन ही देवताओं की परिगणना की हमारे ऋषि ने, वैदिक ऋषि ने तीन देवता की परिगणना की, क्या? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यानि नवद्यानि कर्माणि तानि त्वया उपास्यानि नो इत्राणि। ताकि मातृदेवो भव, सबसे पहले माता देव देवी है, क्योंकि माँ बाप जितना लागत से आपको पाल पोस करके बड़ा किया है, उस लागत को अगर आप 100 वर्षों तक भी निरालस होकर के भी सेवा करें, तो भी माँ बाप के ऋण से कोई बच्चा उड़ीन नहीं हो सकता है। महर्षि मनु ने तो यहां तक कहा कि जंग माता पित्रो क्लेशम सहते संभवे निराम न तस्या निष्कर्तुम सक्या करतुम वर्षतेरपि। एक पुत्र अपने माँ बाप की 100 वर्षों तक निरालस सेवा करे, तब भी उसके ऋण से उड़ीन नहीं हो सकता है। आप माँ बाप का ऋण चुका सकते हैं क्या? कभी नहीं चुका सकते। आप लोग तो कहानी सुनते हैं यहीं इसी मंच से कि एक बेटा था, माँ को कहा कि लोग कहता है कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, तीन ऋण बहुत बड़ा होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। माता ने आपको जन्म दिया, 9 महीने तक पाल पोस करके बड़ा किया, माँ का ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है। उसके बाद आता है पिता का ऋण, क्योंकि पिता का भी आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है चूंकि। उसके बाद आता है गुरु का ऋण, कि गुरु ने आपको जीवन जीने के लिए सिखाया। ये तीन ऋण इस दुनिया में सबसे बड़ा है। इस तीन ऋण से कोई भी व्यक्ति उड़ीन नहीं हो सकता। का तीन ऋण, लोग कहता है कि माता से बढ़ करके कोई नहीं होता है। मातृ ऋण कहा कि बेटा कहा कि आप एक बात बताओ कि आपका कौन सा ऋण है मेरे ऊपर और हम वो चुकाना चाहते हैं। उसकी माँ कही बोली कि बेटा एक काम करो, आज रात में बस तुम मेरे पास सो जाना, इतना ही करने मात्र से तुम्हारा ऋण मुक्त हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि माँ जाती है कहीं बाजार जाती है बच्चे को लेकर के, वहीं बच्चा पेशाब कर देता है, पैखाना कर देता है, पेशाब पैखाना मूत्र को बच्चा उल्टी कर देता है, माँ हाथ में लेकर के फेंकती है। इतना सेवा करने वाला आज के समय में, आने वाला समय में पैसा तो सबके पास होगा, लेकिन सेवा करने वाला किसी के पास कोई नहीं होगा। यकीन मान लीजिए, पैसा तो होगा, अर्थ होगा, लेकिन सेवा करने वाला कोई नहीं होगा। इतना बड़ा ऋण कहा कि एक रात केवल मेरे पास सो जाओ, मैं तुम्हें सभी ऋण से उड़ीन कर दूंगा। अच्छा केवल एक ही रात सोना है, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें कोई परेशानी थोड़ी है, रात भर तो सोना है। बेटा गया माँ के पास सोने के लिए, यही पूछ माँ की ठंडी के समय में रात को 12 बजे बेटा को जगाया, कहा उठो। कहा क्या हुआ माँ? कहा कि पानी लेना है, प्यास लगी है, पानी पीना है। गया चपाकल से पानी ला करके दिया, कहा कि ये लीजिए पानी पी लीजिए। तो थोड़ा सा पानी पिया और बाकी पानी वो बिस्तर पर गिरा दिया। बेटा को गुस्सा आया, लेकिन कहा कि कोई बात नहीं, रात भर का ही तो काम है, बर्दाश्त कर लेते हैं, सुबह हिसाब कर लेंगे, रात भर आज कुछ नहीं बोलना है। चुप हो गया, कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। फिर कुछ देर के बाद फिर उठाया, कहा क्या हुआ माता जी? कहा फिर पानी पीना है। पहली बार तो दौड़ के गया था लाने के लिए, दूसरी बार थोड़ा धीरे से गया, उस बार भी वो क्या किया, थोड़ा सा पानी पिया, बिस्तर पर गिरा दिया। बिस्तर पे गिराया, गुस्सा तो आया बहुत, बोलने ही वाला था, फिर भी किसी तरह से अपने आप को रोक लिया। बोलने वाला था, कहने वाला था, लेकिन किसी तरह से अपने आप को रोक लिया कि रोक लेते हैं, नहीं बोलेंगे। चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। फिर तीसरी बार जगाया, कहा पानी लाओ। बेटा को बहुत गुस्सा आया, कहा बुढ़िया तू पानी पीती नहीं है, सब पानी बिछावन पर गिरा देती है, बार बार हमको तंग करके छोड़ दिया, तुम जाओ जहां सोना, हम जाते हैं दरवाजे पे सोने के लिए। खा बेटा गुस्सा उठ गया। यही पूस की रात थी, इसी इसी समय तुम पैदा हुए थे,
न जाने कितनी रात तुम बिछावन पर बिस्तर पर पेशाब किए होंगे, उस पेशाब को हम कैसे बर्दाश्त किए होंगे। ये याद है तुमको, कितनी बार पैखाना किए होंगे उसको हम कैसे बर्दाश्त किए होंगे। बेटा तब कहता है कि माँ बाप के ऋण से, माँ के ऋण से बच्चा कभी उड़ीन नहीं हो सकता है। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माँ बाप के ऋण से उड़ीन हो सकता है। और यकीन मानिए कि आने वाले समय में आदमी इतना कृतज्ञ हो गया, हो गया माँ बाप के ऋण को ऋण नहीं मानता। बच्चा बिल्कुल कृतज्ञ, जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस करके बड़ा किया उसी माँ बाप को हम देखना नहीं चाहते, उसको रोटी देना पसंद नहीं करते, उसको भोजन देना नहीं पसंद करते हैं। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है, हो सकता है। अभी सहारा के बहुत बड़े, जिसको आप कहते जो जिस सहारा इंडिया जिसका था, इतने बड़े यही अररिया जिला के थे, उनके बेटे की शादी हुई तो 500 करोड़, उस समय 2002 में 500 करोड़ रुपए की लागत से दोनों बेटी की शादी कराई। भारत में वैसी शादी उस समय किसी की भी नहीं हुई थी। अंबानी के पास भी उतना दौलत नहीं, उतनी बड़ी शादी हुई, इतना बड़ा खर्च हुआ। और जब वही मरा तो दोनों बेटा हाथ उठा लिया कि पिता को अग्नि देने के लिए भी उसके पास समय नहीं रहा, विदेश से लौट के नहीं आया। दोनों बेटा विदेश से लौट करके नहीं आया, छोड़ करके चला गया, आया नहीं। तब 2 दिन तक लाश रहा, उसके बाद पोता आकर के अग्निदान दिया। ये है दुनिया, कहां जा रहे हम, क्या कर रहे हैं, विचार करें। तो माँ बाप का ऋण आपके ऊपर है, उसके ऋण से आप कभी उड़ीन नहीं हो सकते। सेवा का धर्म अपनाइए, सेवा जो व्यक्ति करता है उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। सेवक बनिए, सेवा करिए, सेवा का व्रत लेकर के बहुत लोग महान हो गए इस देश में। अभी अभी आप चले जाइए गुरुद्वारा में, इतनी सेवा होती है कि वैसी सेवा कहीं नहीं होती है। कोई भी भूखा आदमी चले जाए उसको भोजन जरूर मिलता है। हम ये नहीं कहते कि माँ बाप की ही सेवा करनी चाहिए, सबकी सेवा। कोई दीन दुखी है उसकी सेवा करिए, उसके साथ प्रेम का व्यवहार, जो जिस चीज का योग्य है उसको दीजिए। सेवा करने वाला व्यक्ति सबसे महान होता है। तो मैंने कहा कि सेवा धर्म है, वो बड़ा कठिन धर्म है, उसके द्वारा आज आदमी के जीवन में सेवा का तप नहीं है, सेवा नहीं है। सेवक कोई बनना नहीं चाहता है, लेकिन अधिकार सबको चाहिए, सम्मान सबको चाहिए। मैंने कहा अगर सम्मान चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो लोगों को सम्मान देना प्रारंभ करिए। अगर अधिकार चाहते हैं कि लोगों से भी हमको मिले, तो आज से देना क्यों नहीं प्रारंभ करते। देने में हम बड़ा कंजूस, किसी को बैठने तक नहीं देने चाहते हैं, देना चाहते हैं उससे हम बहुत कुछ चाहते हैं, मिलेगा संभव नहीं है। चाहे वो माँ बाप हो, परिवार हो, परिजन हो, जब तक हम उसको देंगे नहीं तब तक वापस लौट करके हमको मिलने वाला नहीं। तो मैंने कहा कि धर्म क्या है, कहा धर्म यही है कि जो व्यवहार आप अपने प्रति की करना अच्छा नहीं समझते हैं, वो कभी किसी दूसरे के साथ वैसा बर्ताव नहीं करिए। लेकिन हम दूसरों को तो कष्ट देना चाहते हैं, दूसरों को तो पीड़ा देना चाहते हैं, दूसरों को तो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, और अपने को खुशी देखना चाहते हैं, कभी होगा। धर्म यही है, धर्म की मर्यादा यही है। धार्मिक मर्यादा में जिस दिन आदमी जीवन जीना प्रारंभ कर देगा, उस दिन आदमी का जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, आदमी का जीवन मर्यादित हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि आज आदमी का जीवन मर्यादित नहीं है, मर्यादा में नहीं है। सब आदमी मर्यादा लांग करके आज जीवन जी रहा है। आज मर्यादा है, चौराहे पर मर्यादा तार तार हो रही है, सब आदमी जिसको जैसा मन हो रहा है वैसा जीवन जी रहा है। ना आहार विहार की मर्यादा है, ना जीवन में संयम की मर्यादा है।